ब्यूटीफुल यार, कहाँ पे क्या लोकेशन बनी हुई है। ऐसी लोकेशन ना, यही मजा आता है। भूसा होए, पूरा लाइनअप आ रहा है, देखो यहाँ से सारा दिख रहा है। देखो अभी फोन कनेक्ट हो गया, यहाँ से बैक जाओ और यहाँ पे आप लोगों को सारे ऑप्शन इनेबल हो जाते हैं मीडिया के। तो ये वाले जो राइडिंग ग्लव्स हैं वो काफ़ी अच्छे लगे, सॉफ्ट है एंड इजी टू वेयर। एंड लुक एट द सनराइज यार, मतलब मज़ा आ गया यहाँ पे देख के। और राइट जी, तो हम लोग अभी पहुँच चुके हैं अपने मीटअप पॉइंट पे, जो कि यहाँ पे CCD पीछे बना हुआ है, और यहाँ से हम लोग सीधे निकलने वाले हैं। भाई लोग आ चुके हैं अपने साथ में, तो आज दो राइडर्स और हैं हम लोगों के साथ में। वन इज़ हैविंग BMW 310R एंड वन इज़ हैविंग द GS 850 GSA, सेम एडिशन। सो विल स्टार्ट नाउ। थोड़ा सा हैवी बाइक हो जाती है ना, तो उसको घुमाने में बड़ा दिक्कत होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी काफ़ी सारे बाइकर्स तो निकल गए, कुछ कुछ वेट कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि सबका मीटअप लोकेशन जो है आसपास का ही रहता है। बट देखो यार, काफ़ी टाइम बाद में मॉर्निंग में उठे हैं, मज़ा आ रहा है। काफ़ी टाइम से ना एक वो था कि एक ब्रेकफास्ट राइड टाइप सी करनी है, वैसे ब्रेकफास्ट राइड नहीं है, तो हम लोग आसपास की लोकेशन जो है आज वो कवर करने वाले हैं। यहाँ से डिस्टेंस रहेगा समवेयर अराउंड 60-64 किलोमीटर। तो बेसिकली यहाँ पे आप लोग अगर चिकबलापुर साइड में चले जाते हो ना, जहाँ पे आदि योगी है, और उसके पास में आप लोग जाके ईजिली काफ़ी सारी लोकेशन एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड लुक एट द सनराइज यार, मतलब मज़ा आ गया यहाँ पे देख के। बिग बाइक चलाने में जो मज़ा आता है ना भाई साहब, मतलब जैसे पूरी SUV वाली फील आ जाती है, मतलब इनलाइन फोर में अलग मज़ा है। तो अपने साथ में आज दो राइडर और हैं, वन इज़ ओनिंग द BMW 850 GSA सेम एज माइन, बट ओनली थिंग इज़ कि ये जो वाइज़र है ना, उसका डिफरेंस है, पता नहीं, मतलब मेरे को कैसे जो है टॉल वाइज़र ये मिला, जो ट्रिपल ब्लैक में आता है, इसमें नहीं आता। अब पता नहीं क्या डीलरशिप के ऊपर डिपेंड करता होगा शायद, बट अगर यहाँ से गाड़ी निकलवाते हो आप लोगों को जो है शॉर्ट वाइज़र ही मिलता है। तो लोकेशन के बारे में आप लोग बता देते, लोकेशन यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं एक डैम, जो कि बहुत ही पास है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है। वहाँ पे हम लोग जाके थोड़ा सा चिल आउट करेंगे, उससे पहले अभी यहाँ ऑन द वे हम लोग जाके अपना जो ब्रेकफास्ट है वो कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ज़्यादा देर रहा नहीं जाता। अभी देखो 6:50 हो चुका है, तो अभी अपने को ना मतलब एक मेजर वाला अपग्रेड चाहिए। एक तो है राइडिंग बूट्स का, क्योंकि मैं ऑफ रोडिंग का जो है ट्रेनिंग करूँगा अभी बाइक को मैनेज करने के लिए, क्योंकि बड़ी बाइक्स होती है गिर जाती है तो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब तक सीधे चल रही है तब तक तो सही है, बट एक बड़ी बाइक का मतलब हैवी इंजन रहता है एंड जो वेट है ओवरऑल, जैसे कि मेरा वाला बाइक आई गेस 248 kgs है, तो उसको मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी लोकेशन पे जाने के लिए जहाँ पे आप लोग काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो ना, उसके लिए ये चीज़ मस्ट रहती है। तो बेटर ये रहता है कि आप लोग एक ट्रेनिंग लो, जिसमें कि आप लोगों को बेसिक एटलीस्ट क्लियर हो कि हम लोगों को इसको बाइक को मैनेज कैसे करना है। यहाँ पे जहाँ तक मेरे को याद है, एक राइट साइड में ना बड़ा अच्छा सा लोकेशन पड़ा था, जहाँ पे मैंने जो स्कॉडा स्लाविया का जो रिव्यू वीडियो था ना वो डाला था, अगर आप लोग नहीं देखा तो जाके देखो, बहुत मज़ा आया था उस दिन शूट करने में। पूरा सनसेट का टाइम हो रखा था, गोल्डन आवर्स में जो फ़ोटोज़ आती है ना भाई साहब, क्रेजी। मतलब वो वाली अगर फ़ोटोज़ देखनी है तो यू कैन गो टू माई इंस्टाग्राम ID विच इज़ नथिंग मोल्वी ब्लॉग्स। ये 184 का रेंज दिखा रहा है, आई गेस आज के लिए इनफ है, चाहिए नहीं रहेगा। ये देखो यहाँ पे भी दिख रही है अपने को हार्ले, नाइस, अच्छा साउंड है। हार्ले का वही है, बाइक अच्छी थी, बट एक टाइम पे चंडीगढ़ में काफ़ी क्रेज़ था, पूरा हार्ले का गैंग था। बट अभी काफ़ी ठंडा लग रहा है यार, मतलब मस्त एकदम 22 डिग्री का टेम्परेचर रखा है, AC टेम्परेचर अभी। हम लोग रुक चुके हैं यहाँ पे श्रीनिधि वैभव में, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वेकफास्ट कम्प्लीट करेंगे। क्या हो गया भैया, इधर कहाँ पे? हाँ इधर इधर कर देते हैं वो, कर अबे यार सुन ही नहीं रहा। तो अभी अपना ब्रेकफास्ट आ चुका है एंड वी हैव विष्णु एंड वत्सल। तो अभी यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद में अपनी लोकेशन के लिए हेड करेंगे। अभी जल्दी से ब्यूटीफुल यार, मतलब मस्त वाला ब्रेकफास्ट आ चुका है, मॉर्निंग में सबसे लाइट और हेल्दी फूड रहता है। ठंडीगना अली डैम, जो कि यहाँ से पड़ेगा 47 किलोमीटर्स। तो अभी यहाँ से हम लोग निकलते हैं, फाइनली ब्रेकफास्ट हो गया, थोड़ा सा फुल लग रहा है। तो ये वाले जो राइडिंग ग्लव्स हैं ना, मेरे को काफ़ी अच्छे लगे, सॉफ्ट है एंड इजी टू वेयर, ज़्यादा वो नहीं होता है।
आज यार थोड़ा सा राइडिंग जैकेट में अल्पाइन स्टार वाला पहन के आ गया, आप लोगों को ग्रीन कलर का जो दिख रहा है ना ये वाला पहन के आ गया। मेरे को जो है ना टूरिंग वाला पहनना चाहिए था, वो वाले में थोड़ा सा वेंट्स रहता है ना, खोल लो उसको तो आपको गर्मी नहीं लगेगी। अभी इसमें तो हल्का सा जो वेंटिलेशन का प्रॉब्लम रहता है। अभी गाना वाना थोड़ी देर चला लेते हैं, मज़ा आएगा। देखो यहाँ पे म्यूज़िक प्ले करने का ऑप्शन बड़ा बढ़िया है, इधर पे आप लोगों को बस फ़ोन कनेक्ट करना है। देखो अभी फ़ोन कनेक्ट हो गया, यहाँ से बैक जाओ और यहाँ पे आप लोगों को सारे ऑप्शन इनेबल हो जाते हैं मीडिया के। तो ये बेसिकली ये सेटिंग आप लोगों की चलेगी नहीं अगर बाइक ड्राइव कर रहे हो। तो यहाँ पर आके प्ले बैक प्ले, कॉपीराइट आ जाएगा। वैसे गाना मैं ये सुन रहा हूँ, नई मूवी आ रखी है। तो अभी देखो हार्डली हम लोग 40 किलोमीटर चल के आए हैं बैंगलोर से बाहर, और यहाँ पे इतना पूरा मस्त एकदम माउंटेन्स जो है आप लोग लेफ्ट साइड में, अब पता नहीं गोप्रो उसको कैप्चर कर पा रहा है कि नहीं, बट यहाँ पे काफ़ी सही सा लोकेशन है। हाईवे एक बार पकड़ लो ना, 47 किलोमीटर कुछ नहीं लगता, अभी 37 किलोमीटर आ गया। भूसा ओए पूरा लाइनअप आ रहा, देखो यहाँ से सारा दिख रहा है। अरे लेफ्ट था, लेफ्ट आगे आगे, इधर से लेफ्ट था, आपको रोकने के चक्कर में आगे आगे, इधर पीछे यू टर्न। तो जोश जोश में ना थोड़ा सा आगे निकल गए, एक आगे से यू टर्न लेके आना पड़ा यहाँ पे, इधर से राइट टर्न हो जाएगा। हम लोग जो अंदर वाली रोड से कवर करेंगे, यहाँ से डंडीगना हल्ली डैम्स तक जाने का रास्ता ना बहुत ही ब्यूटीफुल है, आसपास पूरा सीनिक लोकेशन आती है। अब जहाँ पे अपने को टाइम मिलेगा वहाँ पे फ़ोटोज निकालेंगे, बट देखो यार मतलब यहाँ पे सीनिक रास्ता है पूरा, और आगे देखो पूरा ऐसे नीचे चलता चला जा रहा है, यहाँ से कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अभी ये जो डैम वाला लोकेशन है वो यही आसपास में ही दिखा रहा है। अभी बेसिकली यहाँ से 7.4 किलोमीटर रह गया, हम लोग पहाड़ी जो इस साइड में पड़ी थी ना उसके पीछे साइड से एंटर कर रहे हैं। तो अभी यहाँ से देखो यहाँ से 6 किलोमीटर सीधा दिखा रहा है, बट सही है यार काफ़ी अंदर जाके लोकेशन में। क्या अभी देखते हैं कैसा रहता है लोकेशन, बट लुक एट दैट यार, मैंने ड्रोन बेच के गलती कर दी, ड्रोन बेच के बहुत बड़ी गलती की। कहाँ पे क्या लोकेशन बनी हुई है। बहुत सही। अब ये वाला जो पानी है ये डैम वाले एरिया से ही आ रहा होगा, अभी तो डैम वैसे मेरे को 4.8 किलोमीटर दिखा रहा था, वो कहीं उधर ऊपर साइड में रहेगा। बड़ी लोकेशन बड़ी अच्छी लग रही है यार, लुक एट दैट मैन, मतलब कितनी बड़ी लेक है। तक पहुंचने के लिए ना मस्त वाला रास्ता शुरू हो गया, और इसका जो एंट्री है ना ये पीछे से ही है, एक ही रास्ता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। OMG कीचड़, देख के निकालना पड़ेगा। वाह, ऐसी लोकेशन ना यही मजा आता है। तो देखो ये सारी बाइक ना ऐसी रोड के लिए बनी है, आराम से निकल जाती है, सस्पेंशन का कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता है, सस्पेंशन ट्रैवल अच्छा खासा है। हो फाइनली पहुंच गए आज वाला लोकेशन पे, बहुत ही सही है यार। वाह, अभी तो दिखी भी नहीं लोकेशन, बट रास्ते में ही मज़ा आ गया। लेट्स सी, यहाँ पे नारियल पानी और ये सब पड़े। ओहो ब्यूटीफुल यार, क्या सही जगह लग रही है, और कई बाइकर्स आ भी रखे हैं उधर वाली लोकेशन पे। चलते हैं, विल गो देयर, कम ही केम।
देखो इस वाली लोकेशन पे जाके वहाँ पे बाइक पार्क करेंगे थोड़ी, इस वाली लोकेशन से पतली सी रोड है वहाँ से उधर जाएंगे, बाइक पार्क करके थोड़ी बहुत फ़ोटो निकालेंगे, देन उसके बाद में वापस हेड करेंगे। काफ़ी सारे बाइकर्स आ रखे हैं यार, लोगों के निकलने का भी टाइम हो गया वैसे। काफी पतला रोड है यहाँ पे। सही यार, क्या मस्त लगा। सो फर्स्ट एडवेंचर लोकेशन फॉर आवर बीस्ट। अभी यहाँ पे थोड़ी देर चिल करेंगे, देन उसके बाद में निकलेंगे। अभी तो वैसे फिलहाल थोड़ा थोड़ा गर्मी हो रहा है, टाइम पता नहीं कितना, आई गेस 9 बजने वाला है। तो अभी यहाँ से थोड़ी बहुत फोटोज निकालते हैं। सो ये वाला जो है लोकेशन डैम का है, देखो क्या सही बना हुआ एंट्री, बस फोन ना गिर जाए यहाँ पे। तो अभी हम लोग फाइनली यहाँ से निकल रहे हैं, काफ़ी अच्छा रहा आज का दिन, शूट किए एंड फोटोज़ वोटोज़ लिए, आप लोगों को इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। यहाँ से अभी निकलते हैं, बाइक थोड़ा सा साइड में हटाता हूँ क्योंकि जगह इनफ नहीं है क्रॉस करने के लिए बाइक को, तो जो दूसरी है वो भी GSA है तो निकालने में प्रॉब्लम रहेगा। लेट्स सी। ओके, तो लास्ट टाइम मैंने कोहली हिल्स में गिराई थी अपनी बाइक, वैसे नहीं गिराना है भाई। बस थोड़ा सा जगह पतली है ना, निकालने में बड़ा प्रॉब्लम होता है, बस अभी निकल जाएगी। आ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बैठ गया। चलो अभी थोड़ी सी अच्छी सी जगह पहुंच के थोड़ा सा जूस वूस पियेंगे, भाई एग्जॉस्टेड हो गया काफी। और बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है। अभी यहाँ से जाके देखो, यहाँ पे नारियल पानी भी मिल रहा है, यहाँ से कुछ पीते हैं। एंड उस साइड में देखोगे तो लोग नहा भी रहे हैं। वाह, हम लोग तो कुछ लेके नहीं आए बट नहाते ज़रूर अगर होता तो। तो अभी वहाँ से हम लोगों ने नारियल पानी पिया एंड काफ़ी अभी गर्मी हो गई है, 10 बज चुका है, 10 क्या 11 बज चुका है। आज का लोकेशन ये वाला बहुत ही अच्छा था। लोकेशन मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एंड आप लोगों को यहाँ पे टाइटल में भी लिखा हुआ रहेगा क्या कौन सा लोकेशन है। तो अगर ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ऐसे मैं ट्राई करूंगा कभी कभी वीकेंड पे जो आसपास में जगह है वो चीज़ कवर करने का। अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना कैसा लगा ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय।